नवरात्र पर्व के समापन के बाद शनिवार को भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। माँ नर्मदा तटकुआरी घाट भटौली स्थित विसर्जन कुंड सहित सभी विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालु प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पहुंचे। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में शनिवार सुबह तक 50 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दुर्गा उत्सव और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में की गई व्यवस्थाओं का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने जायजा लिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पनागढ़ सिहोरा सहित ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से भी चर्चा की। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मंदिरों और पंडालों में हो रहे हमलों और हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सदर में प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से पड़ोसी देशों में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की। जबलपुर वासियों ने जबलपुर रेल मंडल प्रशासन से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम करने की मांग की है। स्टेशन पर आवाजाही के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 20 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सदर गणेश चौक के पास गली नंबर 7 के मोड़ पर स्थित एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी भाग पर लगी रेलिंग के छज्जे का हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे की जानकारी लगने के बाद कैंट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। गढ़ा थाना क्षेत्र चिकनी कुआ में दुर्गा पंडाल में डांस करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं। घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रांची क्षेत्र के दवा दुकानदार और पूर्व बीजेपी पार्षद के भतीजे द्वारा किए गए सुसाइड के मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाते हुए सभी लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जबलपुर की बेलबाग पुलिस ने उमरिया जिले से चोरी की गई बाइक के साथ एक शातिर चोर को दबोचा है। आरोपी चोरी की बाइक लेकर गुरंदी में बेचने के लिए पहुंचा था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। दुर्गा पंडाल में डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद। गढ़ा थाना क्षेत्र में हुई वारदात, पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर धारा 307 सहित अन्य धाराओं को लेकर दर्ज किया प्रकरण। उमरिया से चोरी की गई बाइक लेकर कबाड़ी को बेचने पहुंचे शातिर चोर को बेलबाग पुलिस ने दबोचा। चोरी की हुई बाइक बरामद। और नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम। शनिवार को दूसरे दिन भी रहा जारी। विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों पर हुआ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शनिवार को भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट भटौली स्थित विसर्जन कुंड सहित सभी विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालु प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पहुंचे। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में शनिवार सुबह तक 50 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं और दुर्गा उत्सव समितियों के सदस्य दुर्गा प्रतिमाएं लेकर पहुंचे और शासन की गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में शनिवार सुबह तक लगभग 50 प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका था। विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अमला तैनात है। वहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। लगभग 50 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है और ये इसमें बड़ी प्रतिमाएं आती है जो ट्रेन के द्वारा उनका विसर्जन होता है। इसलिए भी हम लोगों को नई करता है यहाँ पे। कुंड करीब कितनी लंबाई चौड़ाई का बनाया गया? लगभग 80x80 के हिसाब से ऐसा है कुछ। और इधर पर कितने अपने कर्मचारी लगे हुए हैं? कर्मचारी होंगे तो सबकी शिफ्ट लगी हुई है, 24 घंटे की शिफ्ट है और लगातार यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पुलिस का पूरा सहयोग रहता है। माँ नर्मदा विसर्जन कुंड में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम तीनों के संयुक्त सहयोग से ये बहुत बृहद व्यवस्था जबलपुर शहर में की गई है और अभी तक 50 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और आज विशेष रूप से मूर्तियों की आने की संभावना है जो बहुत ही संख्या में ज़्यादा रहेंगी। उसके लिए पूरे प्रशासन चाक चौबंद है और जो कि नरग्वारी घाट के झंडा चौक से लेकर भटौली तक पूरी लाइटिंग की, सफाई की
और भटोली घाट में गोताखोरों की ड्यूटी, नाविकों की ड्यूटी, साथ ही साथ सफाई कर्मचारी की ड्यूटी 24 घंटे यहाँ लगाई गई है। प्रशासन की जो गाइडलाइन है कि भाई उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड अभी हटा नहीं है, इसका हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग ने ध्यान रखते हुए अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। पुलिस और प्रशासन द्वारा विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3 दिनों विसर्जन का है, तीनों दिन हम जो विसर्जन स्थल है उनका अनुभागवार सभी ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पे नगर पालिका और स्थानीय जो भी ग्राम पंचायत है उनसे सहयोग लिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सिर्फ मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार का जुलूस वगैरह प्रतिबंधित किया गया है। और इस पे हमारी लगातार सतत रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र की थाना पुलिस है वो उस पे मॉनिटरिंग कर रही है। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बनाए गए विसर्जन कुंड में होमगार्ड के तैराकों और गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। दुर्गा उत्सव और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में की गई व्यवस्थाओं का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने जायजा लिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पनागढ़, सिहोरा सहित ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भी चर्चा की। दुर्गा उत्सव और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा देर रात ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने पनागढ़ और सिहोरा का दौरा करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने दुर्गा विसर्जन के बाद आने वाले ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कुछ दुर्गा पंडालों का भी जायजा लिया। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मंदिरों और पंडालों में हो रहे हमलों और हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सदर में प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से पड़ोसी देशों में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मंदिरों और पंडालों में बढ़ रहे हमलों की निंदा करते हुए हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सदर में प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाकर रोष जाहिर किया। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जहां भी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां बांग्लादेश में ऐसे हिंदू जो जिनका शोषण हो रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनको वहां की सरकारें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं। उनका अधिकार है कि वह अपने, आज हिंदू सेवा परिषद ने यहाँ पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया है, शेख हसीना का पुतला दहन किया, आतंकवाद का पुतला दहन किया और हिंदू सेवा परिषद ने विरोध अपना दर्ज कराया। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और आतंकवाद के विरोध में नारेबाजी भी की। जबलपुर वासियों ने जबलपुर रेल मंडल प्रशासन से प्लेटफार्म टिकट के दाम कम करने की मांग की है। स्टेशन पर आवाजाही के लिए प्लेटफार्म टिकट के दाम 20 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर रेल मंडल ने स्टेशन प्लेटफार्म पर आवाजाही के लिए प्लेटफार्म टिकट के दाम 20 रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे शहरवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच प्लेटफार्म टिकट के लिए लोगों को 20 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर बोझ भी पड़ रहा है। शहरवासियों ने रेल मंडल से प्लेटफार्म टिकट के दाम घटाने की मांग की है। जी भैया, जैसे अभी पहले इतनी महंगाई चल रही है, अपन किसी को लेने जा रहे हैं या छोड़ने जा रहे हैं कोई भी रिश्तेदार को, तो पहले 50 रुपए में थी, अब 20 रुपए में हो गई है। लेकिन अभी भी इस महंगाई के दौर में भी 20 रुपए की टिकट ज़्यादा होती है। इसको 5 रुपए या 10 रुपए करना चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में कोई भी आदमी अपने परिवार वालों को ना लेने जा सकता है ना छोड़ने जा सकता है। प्लेटफॉर्म में हमने 20 रुपए की टिकट खरीदी है, लेकिन अभी और कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं एंड यहाँ पे अगर फैमिली के साथ अगर आते हैं तो और देना पड़ता है। तो पहले स्टैंड भी देना पड़ता है 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ की, वो भी लगती है, तो थोड़ा कम होना चाहिए। हालांकि रेल मंडल द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए प्रति व्यक्ति तक की जा चुकी है, लेकिन वर्तमान में इसके लिए 20 रुपए वसूला जा रहा है। जनता की मांग है कि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम घटाकर 5 रुपए या 10 रुपए प्रति व्यक्ति किया जाए।
सदर गणेश चौक के पास गली नंबर 7 के मोड़ पर स्थित एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी भाग पर लगी रेलिंग के छज्जे का हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे की जानकारी लगने के बाद कैंट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कैंट बोर्ड को भी हादसे की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमारत के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। सदर गणेश चौक के पास गली नंबर 7 की मोड़ पर स्थित एक इमारत के ऊपरी भाग पर लगी रेलिंग के छज्जे का हिस्सा अचानक ही गिर गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इमारत के आसपास से वाहनों और लोगों की आवाजाही को रोकने का काम किया और छावनी परिषद को भी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इमारत इलियास कादरी और जावेद कादरी की है। पुलिस अधिकारियों ने इमारत के मालिकों को भी मौके पर बुलवाकर बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को कैंट बोर्ड की मदद से गिराने की बात कही ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये 7 नंबर गली और गणेश चौक के पास में 7 नंबर गली मोड़ पे इलियास कादरी और जावेद कादरी का एक मकान है। इसका छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया है, मलबा रोड पे गिर गया है। ईश्वर की दया से किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। मकान मालिक को बुलवाया गया, उसको अब जो शेष छज्जा भाग बचा है उसको तोड़वा कर सुरक्षित अलग कराया जा रहा है। कैंट बोर्ड से भी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, जैसे ही आते हैं उसके बाद वैधानिक कार्रवाई। बताया जाता है कि इमारत काफी पुरानी है, इस कारण इसका कमजोर हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। गढ़ा थाना क्षेत्र चिकनी कुआं में दुर्गा पंडाल में डांस करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। गढ़ा थाना क्षेत्र चिकनी कुआं में दुर्गा पंडाल के डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के बाद दोनों ही पक्षों के लोगों ने धारदार और नोकीले वस्तुओं से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की पतासाजी कर रही है। पुलिस के अनुसार चिकनी कुआं स्थित देवी पंडाल में देवताल रामनगर निवासी अंकित और उसके साथी डांस कर रहे थे, तभी पंकज पटेल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और डांस करने लगा। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करने के बाद मामले में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। रांची क्षेत्र के दवा दुकानदार और पूर्व बीजेपी पार्षद के भतीजे द्वारा किए गए सुसाइड के मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाते हुए सभी लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रांची के दवा दुकानदार और पूर्व भाजपा पार्षद के भतीजे सौरभ साहू द्वारा सुसाइड किए जाने के मामले में जांच के बाद पुलिस ने मृतक सौरभ साहू के चाचा ऋषि साहू, डॉक्टर तरनजीत सिंह गुजराल, काके गुमर, तेजिंदर सिंह लामा, उदित रील और डॉक्टर ऋषिता साहू के विरुद्ध दुकान में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मृतक ने जो है परेशान होकर के उनके चाचा ऋषि साहू, ऋषिता साहू और तरनजीत सिंह, तेजिंदर सिंह और उपी रील आदि के विरुद्ध ये बताया कि उन्होंने जो है उनको दुकान खाली कराने के लिए उकसाया और मारपीट की मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी, जिसका वीडियो उन्होंने मरने से पूर्व बनाया था, जो वीडियो वायरल हुआ है। और परिजनों के द्वारा लिए गए बयान, प्राप्त CD वीडियो आदि के आधार पर जो है मर्ग जाँच पर से थाना रांझी में अपराध क्रमांक 1093/21 धारा 452, 506, 323, 306, 34 ताजिरात हिंद का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, आरोपियों की तलाश पतारसी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पास मिले सुसाइड नोट, CCTV फुटेज और मृत्यु पूर्व मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। जांच में दुकान को लेकर विवाद होने की बात भी सामने आई है। जबलपुर की बेलबाग पुलिस ने उमरिया जिले से चोरी की गई बाइक के साथ एक शातिर चोर को दबोचा है। आरोपी चोरी की बाइक लेकर गुरंदी के कबाड़ी बाजार में बेचने के लिए पहुंचा था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
जबलपुर की बेलबाग थाना पुलिस ने उमरिया जिले की रहने वाले एक शातिर वाहन चोर भोला उर्फ मोहन कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। भोला उर्फ मोहन उमरिया जिले से बाइक चोरी करके चोरी की हुई बाइक को बेचने की नियत से गुरंदी बाजार पहुंचा था, लेकिन पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ भोला को दबोच लिया। पूछताछ पर भोला ने स्वीकार किया कि 10 अक्टूबर को उसने उमरिया जिले से बाइक चोरी की थी और उसे बेचने के लिए जबलपुर आया था। पेट्रोलिंग इलाके में भ्रमण कर रही थी, जैसे ही भ्रमण के दौरान पहुंचे गुरंदी में तो वहाँ एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला जो एक गाड़ी लिए हुए खड़ा था। गाड़ी का नंबर था MP18 MR 3802। उससे तत्काल में उस गाड़ी के संबंध में दस्तावेज मांगे गए जो प्रस्तुत नहीं किया। संदिग्ध लगने पर थाना लाकर पूछताछ की गई, जो थाना लाकर पूछताछ करने पर और जो नंबर अपन ने उसका सर्च किया तो थाना उमरिया की गाड़ी थी, वो रामचंदिया थाना की। वो जो जिससे गाड़ी जब्त हुई उसका नाम था भोला और मोहन कुशवाहा, पिता हीरालाल कुशवाहा, ग्राम चंदिया का रहने वाला। इससे गाड़ी जब्त की गई है और थाना उमरिया संपर्क किया गया, जो FIR वहां पर दर्ज है। चोरी की गाड़ी थी, FIR दर्ज थाना। वहीं चेकिंग के दौरान भी पुलिस ने एक वाहन चोर शिवशंकर कोल को चोरी की हुई बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिवशंकर लाडगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला, उसके पास एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर पैशन प्रो मिली है। उससे पूछताछ की गई तो वो कागजी प्रस्तुत नहीं कर पाया। संदेह होने पर थाना लाकर पूछताछ की गई, जो गाड़ी चोरी की निकली। इसका नाम है शिवशंकर कोल, पिता राजभोर कोल, रहने वाला है बावली, पुरानी बावली के पास, थाना लाड़गंज क्षेत्र का। उससे पूछताछ जारी है, अभी पूछताछ में पता चलेगा, फिर इसके बाद खुलासा किया जाएगा कितनी गाड़ी। अभी सिर्फ एक गाड़ी का पता चला है, पूछताछ जारी है। पुलिस ने वाहन चोरों से जब्त वाहनों के मालिकों की पता साजी शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।